नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के बीच अंतर 96 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने कहा कि कोई वर्ग है तो हम एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, एक वर्ग है, उस वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के बीच में अंतर है 96 सेंटीमीटर। तो हम तो पहले जो वर्ग की भुजा है उसको क्या मानते हैं कि वर्ग की भुजा ए है। अब उसने कहा वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के बीच में अंतर, उसने कहानी कही है क्षेत्रफल और परिमाप, बात वर्ग की हो रही है तो हमने वर्ग नहीं लिखा। क्षेत्रफल और परिमाप के बीच में जो अंतर है वह कितना है, 96 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दिया हमने लिख लिया। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा हमने मानी है ए, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। फिर माइनस वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, भुजा को हमने माना है ए, तो 4a बराबर हो जाएगा 96। अब इस 96 को हम इस साइड ले आएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 96 बराबर 0। ठीक है, अब यह हमारा द्विघातीय समीकरण बन गया। इस समीकरण में जब हमने पढ़ा था कि जब हमको a की वैल्यू निकालना पड़ेगी तो इस पार्ट को हमें फैक्टर या गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो इस 4a को ऐसा तोड़ना है कि जब गुणा करें तो 96 आए और जोड़े या घटाएं तो 4a आए। ठीक है, तो 12 8 96 होता है। अब यहाँ माइनस में चाहिए तो माइनस का लेंगे 12a, तो ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस का 8a माइनस का 96 बराबर 0। ठीक है, यहां दो दो के जोड़े बन जाएंगे, इस जोड़े में से a कॉमन निकल आएगा तो यहां बचेगा a माइनस 12, और इस जोड़े में से 8 कॉमन आ जाएगा तो यहां भी बचेगा a माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब जब यह दोनों हमारे ब्रैकेट समान आ जाते हैं तो यानी कि हमारा जो गुणनखंड है वो एकदम सही हुआ है। अब इन दोनों में से इसको कॉमन ले लेंगे, a माइनस 12 एक कोष्टक में बचेगा और a प्लस 8 दूसरे कोष्टक में बचेगा, बराबर में हो जाएगा 0। जब हम इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो a माइनस 12 बराबर आएगा 0, यानी a की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 12। यहां से सॉल्व करेंगे a प्लस 8 बराबर 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 8। अब a क्या है, इस वर्ग की भुजा है, भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती तो इसको हम छोड़ देंगे, यानी भुजा बराबर कितनी निकल आई, भुजा a बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी भुजा निकल के आ गई। अब उसने हमसे पूछा है कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस वर्ग का हमें क्या निकालना है, इस वर्ग का विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो जब वर्ग का विकर्ण निकालते हैं तो उसका भी सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वह होता है भुजा गुणा √2, यानी हम भुजा को a लिखते हैं तो a √2 और a की वैल्यू आई है 12, तो आंसर हो जाएगा 12√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह हमारे वर्ग का विकर्ण निकल के आ गया। ठीक है, तो जो हमें दिया गया था हमने उसकी सहायता से सॉल्व किया, दिया गया था क्षेत्रफल और परिमाप के बीच का अंतर, तो हमने क्षेत्रफल माइनस परिमाप किया और 96 के बराबर लिख दिया। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाया और परिमाप का सूत्र लगाया, उसके बाद यह द्विघातीय समीकरण बन गया। तो द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो वैल्यू एक्स के साथ है या ए के साथ है उसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। तो
तो हमने यहाँ 12 और 8 में तोड़ा तो आगे चलकर हमें आंसर मिल गए, एक ही वैल्यू दो निकली, एक आई है a बराबर 12 और एक आई है a बराबर -8। तो a हमारी वर्ग की भुजा है, भुजा कभी माइनस में होती नहीं है, इसलिए हमने -8 को वहीं पर छोड़ दिया और a बराबर 12 यानी भुजा को 12 मान के हमने चले। अब जब भुजा हमारी 12 आ गई तो वर्ग का हमें निकालना था विकर्ण, विकर्ण का सूत्र होता है a रूट 2, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 12√2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।